नमस्कार, इंडियन फूड मेड इजी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे मैं तरह तरह के भारतीय व्यंजन बनाना सिखाती हूँ, जो कि मैं बहुत ही सरल और घरेलू तरीके से बनाती हूँ। मेरे सारे व्यंजनों की विधि हिंदी भाषा में होती है और आज हम बनाएंगे भरवा करेला। करेला एक बहुत गुणकारी सब्जी है जो डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, डाइजेशन, HIV, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस और स्किन के लिए बहुत गुणकारी है। करेले में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को नष्ट करते हैं। कुछ लोग करेले को कड़वा होने के कारण बिल्कुल नापसंद करते हैं, लेकिन आज मैं जिस विधि से भरवा करेला बनाऊंगी, ऐसे बनाने से करेले की कड़वाहट खत्म हो जाती है और मसालेदार भरवा करेले और भी स्वादिष्ट लगते हैं। भरवा करेले की सब्जी तकरीबन एक हफ्ते तक फ्रिज में रखी जा सकती है। सबसे पहले करेलों को अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लें। अब करेलों की ऊपरी परत इस तरह छीलकर साफ कर लें। भरवा करेले के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। अब करेलों को एक साइड से कट लगाएं और इस तरह अंदर से साफ कर लें। करेलों पर इस तरह नमक डालें और अच्छे से मिला दें। नमक मिलाकर तकरीबन एक घंटे के लिए अलग रख दें। ऐसा करने से करेलों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी और यह खाने में कड़वे नहीं लगेंगे। एक घंटे के बाद इनको इस तरह पानी में डालें और अच्छे से धोकर निचोड़ लें। अब प्याज को छीलकर मोटे टुकड़ों में काट लें। इसी तरह हरी मिर्च, और टमाटर को भी मोटे टुकड़ों में काट लें। प्याज को चॉपर में डालकर चॉप कर लें। और टमाटर हरी मिर्च को एक साथ चॉप करके प्यूरी बना लें।
अब एक गरम कढ़ाई में तेल डालें। तेल गरम होने पर इसमें हींग, राई, जीरा, और प्याज डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी डालें और अच्छे से मिला दें। इसमें हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, आमचूर और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिला दें। इस मिश्रण को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें धनिया पत्ते डालकर मिला दें। भरवा करेले की स्टफिंग बनकर तैयार है। स्टफिंग को ठंडा होने के लिए अलग प्लेट में निकाल दें। जब स्टफिंग ठंडी हो जाए तो इस तरह करेलों में भर दें। अब इनको इस तरह धागे से बांध लें। करेलों को तलने के लिए एक गरम कढ़ाई में तेल डालें। अब इसमें एक एक करके तैयार किए हुए करेले डाल दें। करेले डालते वक्त गरम तेल के छींटों से अपना बचाव रखें। करेलों को ढककर पकाएं और बीच बीच में खोलकर देखते रहें। जब करेले एक तरफ से पक जाएं, तो उनको पलटकर दोनों तरफ से पका लें। तकरीबन 10 से 12 मिनट में करेले बनकर तैयार है।
उम्मीद है आपको मेरी बताई भरवा करेला की विधि पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद। मेरी बनाई वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप जरूर देख पाएं।